नमस्कार दोस्तों, दोस्तों इस बात किया जाएगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयनायोग लेखपाल भर्ती के बारे में। कुछ डिटेल से बताया जाएगा, बहुत जरूरी चीज बताया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जो स्थिति यूपी में चल रही है इस टाइम, अभ्यर्थियों की सरकार एकदम नहीं सुन रही है। सरकार तो छोड़िए, सरकार तो कभी नहीं कि कोई सरकार नहीं सुनती है, लेकिन सबसे बड़ा न्यायालय भी नहीं सुन रहा है कोई। मैं पिछले 5-6 साल में रिकॉर्ड बता सकता हूँ, कोई भी डिसीजन मैक्सिमम 1-2 को छोड़कर कोई भी डिसीजन आज तक बच्चों के पक्ष में नहीं आया है। चाहे सरकार के सामने नकल हुआ हो, चाहे सरकार के कोई अधिकारी नकल किया हो, चाहे सीट बेचा हो, चाहे कोई गलती कोई भी किया हो, चाहे अभ्यर्थी द्वारा गलती किया गया हो, कोई भी सरकार, अरे कोई भी मतलब सरकार या आपका जज या कोई भी कोर्ट आपका नहीं सुन रहा है। कुछ बात आपको डाउट्स क्लियर करूंगा वीडियो में, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सभी स्टेट ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जानकारी का अभाव होना ना होना भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। पढ़ाई से नौकरी नहीं मिलती है। UPSI का भी देखिए हो ना, 125 वाला भी फेल हो गया है, जिसको जो पेट में पाया था 12-13 नंबर या 34 नंबर, आज वो 150 करके बैठा हुआ है। पकड़े गए हैं गिने चुने 6-8-10 भैया। 6,500 आंकड़ा है जो पेपर लिख हुआ है, 6,500 से ज़्यादा अभ्यर्थी कुछ सीट खरीदे हैं, पेपर लिख किए हैं, कुछ आयोग से भर्ती हुए हैं, कुछ NSIT ने कुछ सीट को लैप्स कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। आप समझ सकते हैं एक 9,000 भर्ती में 125 वाला पास नहीं हुआ है, मतलब फाइनल मेरिट समझ सकते हैं 135-140 से नीचे नहीं जाने वाली। ये पेपर हुआ है तब, ये सही से पेपर हुआ है, पारदर्शिता के साथ पेपर हुआ है, नहीं हुआ है। चलिए उससे बात नहीं किया जाएगा, बात किया जाएगा लेखपाल भर्ती के बारे में। देखिए बहुत से चैनलों द्वारा ये भी न्यूज फैलाया गया है कि UP SSC के चेयरमैन को सरकार ने हटाया है, तो मैं एक चीज रिमाइंडर बता दूं, ये वही लोग हैं जिनको, ये वही लोग हैं, सुनिए एक बार ध्यान सुनिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने पेट का कटाफ आपका 50% बताया था, 60% बताया था, कोर्स सेल करके निकल गए थे। ये इतने फेक न्यूज देते हैं सब, इतने इनको ना इनको कटाफ के बारे में जानकारी थी, रिजल्ट आया कब जानकारी थी, लेकिन ये ज्ञानी बहुत ही बड़े स्तर के हैं, ठीक है। ये वही लोग हैं, जानकारी का पूरा अभाव है। मैं बता दे रहा हूँ, आज के कम से कम 6-7 दिन पहले मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ, जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया था कि देखिए आपका सचिव का तबादला हो सकता है, ठीक है, सचिव का तबादला हो सकता है, डेट नहीं क्लियर था कब होगा कब नहीं होगा, ये तलक की बात है। तो मान लीजिए उसके 5 दिन बाद ही आपका तबादला हो गया, अरे ये चीज़ तो पहले ही से फिक्स था भाई, कहाँ से तुम सरकार को ठेस दिया इसमें, सरकार इसमें कहाँ से आ गई। मैटर यही है कि बस बच्चों को झूठ बोल के गलत दिखाकर वीडियो बरगलाया जा रहा है, जानकारी तो है नहीं, इतनी जानकारी दी तो आज सब उन सब की कोई जानकारी सही नहीं हुई, कटाप बता के 55 भग गए, आज सपोर्ट भी नहीं कर रहे बच्चों का, और जब कटाप गया 87% आए तो अब उनका वो वीडियो गायब हो गया, जो वीडियो डाले थे 50-55 वाले सेफ हो जाएंगे, 92 वाले सेफ हो जाएंगे। अरे ये तो भाग मनाइए कि सरकार ने आयोग ने एक सीट पर जितने बजट सबको ले लिया, यदि 15×1,01,020,000 लिया होता तो ये कटाप आपकी 92% डाल गई होती। सरकार ने थोड़ी रहमी देखिए, जो भी देखिए। अब बात किया जाएगा जो अधीनस्थ सेवा चयनायोग में सेक्रेटरी साहब आए हैं वो कहाँ से आए हैं, वो राजस्व विभाग से आए हैं, ठीक है। चेयरमैन कहाँ से आए हैं, वो भी राजस्व विभाग से आए, वो तो 2 साल पहले के आए हैं, वो तो मुझे पूरा डिटेल से पता है वो कहाँ से आए कैसे आए, ठीक है। दोनों भैया राजस्व विभाग के हैं। भर्ती कौन सी चल रही है, लेखपाल, कहाँ की, राजस्व लेखपाल, तो संकट के बादल है, राजस्व भर्ती चल रही है, राजस्व विभाग किसके अंडर में है, तो हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य। अब समझदार होंगे, समझते होंगे कहीं भर्ती प्यास तो नहीं आने वाली है, या भर्ती पूरी पढ़ने वालों का फिर वही तो नहीं हो जाएगा जो SI में हुआ था, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। आप पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, पढ़ाई का जमाना यहाँ पे लग चुका है, यहाँ कोई किसी का सुन ले। ऐसा क्या हो गया कि UP SSC में सचिव और चेयरमैन और को एक ही विभाग से बुलाना पड़ गया, ऐसे थोड़े है कि यूपी में PCS की कमी हो गई है चार अधिकारियों की। लेकिन ये जो भी है जैसे भी है अब वो तो नहीं पता, लेकिन ये चीज़ क्लियर है भाई, ये एक चीज़ क्लियर है कि सरकार ने नहीं बदला है अधीनस्थ सेवा चयनायोग को, दबाव में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत पहले से प्रोसेस चल रहा था इनको हटाने का, कि इनका तबादला होगा, वो अपने यहाँ पे चेयरमैन से होके, मतलब सेक्रेटरी से होके सीधे वहाँ पे विशेष सचिव बने गए मुख्यमंत्री आवास पे, अरे मुख्यमंत्री कार्यालय पे, तो उनका प्रोन्नति हुआ है, पीछे थोड़े हटे हैं, ठीक है। अब देखिए यही जो है आपको दिखाया जाए, लेखपाल भर्ती पे ऐसा बात नहीं है कि आप पास हो गए पेट एग्जाम, चाहे आपने 62% 63% ले आ दिया, चाहे 80% ले आ दिया, तो आपकी गारंटी है कि नौकरी मिली जाएगी।
UPSI में भी बहुत से बच्चों ने सपना देखा था कि इस साल वर्दी चढ़ेगी, ये सरकार है नकल नहीं करती है। लेकिन मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि ऐसा नकल तो पूरे होल में मेरे ओस में किसी सरकार ने नहीं किया होगा। पूरी 100% सीट बिक गई, 100% की 100% सीट बिक गई भाइयों। तो आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। कोर्ट गए, कोर्ट ने भी आपको साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत फेक न्यूज़ दिखा रहे हो, ये सब गलत चीज़ एडिट किया हुआ है। सरकार के पास गए, सरकार सुनी नहीं। भर्ती बोर्ड के पास गए, भर्ती बोर्ड ने क्लियरेंस कर दिया कि नहीं नहीं ये भर्ती एकदम साफ सुथरी हुई है, इसमें 1% कहीं गलत हुआ ही नहीं है। तो आप बताइए कहाँ जाएंगे? जब लेखपाल भर्ती ऐसे फंसेगी, पेपर लीक होगा, पेपर तो आप जानते हैं डेफिनेटली लीक होगा, चाहे आपको पता चले या ना चले वो अलग की बात है, लेकिन डेफिनेटली लीक होगा ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? लेकिन यही है कि अपनी तैयारी से पीछे मत हटिए। सीट जहाँ तक उम्मीद है लेखपाल भर्ती, बहुत दबाव है सरकार का, हो सकता है पेपर लीक ना हो या कुछ ऐसी घटनाएं ना हो, अपनी घटनाएं, क्योंकि ऐसी अपनी घटनाएं हुई तो सामने पेपर लीक में ही पता, ऑफलाइन पेपर में ही होता है, ये मैटर वायरल हो जाता है, मीडिया में आ जाता है। मीडिया में आ जाएगा तो पेपर तो मीडिया में आ सकता है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम का पेपर मीडिया में नहीं आ सकता, ठीक है। वो बहुत समय लगता है, वो इसकी साटा है, वो बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। लेकिन पेपर का आंसर की जो मैच किया जा सकता है ना, क्योंकि OMR तो सब OMR के साथ सारा डाटा अधीनस्थ सेवा चुनाव रख लेती है। इसमें पेपर लीक हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे सीट बिका तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैक्सिमम चांस है कि नकल, इस पर नकल लगाया जाएगा अधीनस्थ सेवा चुनाव आयोग द्वारा या सरकार द्वारा। इसमें कम चांस है कि आपका पेपर लीक होगा या कोई घटना होगी। जैसे कि बड़ा अपडेट आएगा दोस्तों आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आप हर विपत्ति से आने से पहले आप थोड़ा उसे इंडिकेट कीजिए, उससे थोड़ा सावधानी बढ़ती है, ठीक है। जैसे कोई बड़ा अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। UP SSSC समान हिंदी की बेस्ट बुक जो चक्षु पब्लिकेशन द्वारा मार्केट में आ चुकी है, ये दोस्तों बेस्ट बुक जो आपको स्पेशल UP SSSC के एग्जाम जो लेखपाल हो गया, BDO हो गया, NM हो गया, JEE हो गया, कंबाइंड टेक्नीशियन हो गया, चाहे जितने भी वनरक्षक हो गया, जितने भी एग्जाम होने वाले उसके लिए बेस्ट बुक है हिंदी की। क्योंकि आप जानते हैं UP SSSC में हिंदी कम से कम 50 से लेकर 100 क्वेश्चन तक पूछते हैं, तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट पड़ेगा ये। UPSSC, UPSI, TST, PTC, TET, UP TET, आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा बैंक, SSC, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं सारे इसमें आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। ये जो आपका बुक बनाया गया है ये एक्सपर्ट के आधार पे बनाया गया है। इसमें दोस्तों आपको 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे जो एक्सप्लेनेशन के साथ रहेंगे, सबसे बड़ी बात है। और आपको 100% सबसे बड़ी बात इसमें एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। तत्काल में दोस्तों UP SSSC के जितने एग्जाम है उसके लिए तो ये जानिए ब्रह्मास्त्र है एकदम। अब इस बुक की खासियत आप देखिए, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे हिंदी भाषा का जो विकास यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, छोटा छोटा पॉइंट देखिए यहाँ पे, स्वतंत्रता के समय हिंदी भाषा का विकास क्या हुआ था उसके बारे में, जहाँ से आपको मोस्टली क्वेश्चन आए जाते हैं, अनुसूचियों के बारे में बताया गया कि भारतीय अनुसूची में जो हिंदी संबंधी जोड़ा गया था उसके विषय में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप उसका टॉपिक आप देख सकते हैं जो टोटल इसमें ऐड किया गया है, हर एक टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको कवर किया गया है इसमें, इसे भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास भी इसमें कर दिया गया है, ठीक है। यदि आपको बुक के बारे में जाना है डिटेल से तो मैं एक नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जो भी एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पे हिंदी लेना है तो तुरंत बेधड़क जाके ऑफलाइन और ऑनलाइन ये बुक मिल रहा है, नीचे मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तुरंत जाके ले लीजिए। धन्यवाद।